Hello everyone, here is Vinti and today I'm going to talk about tenses. Actually, we will not discuss here that what is the, you know, helping verbs of present tense, uh, past and what is the future tense, uh, you know. So basically, we all know about the tenses, ki, jitne bhi unki helping verbs, kaise they are used, they are used, present, kya hota hai, past, kya hota hai, we all know. बट नेक्स्ट uh, जो बेसिक लेवल से हम जो आगे उठते हैं जैसे कि कंपैरेटिव एनालिसिस uh, पे जब पहुंचते हैं तो उसको हमने रीड करना ज़रूरी समझते हैं तो अभी हम इसमें देखने वाले हैं कंपेरेटिव एनालिसिस तो कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है कुछ सेंटेंसेस हमें जो दिखते हैं वो प्रेजेंट में होते हैं, होते हैं, वो एक्चुअली वो हमें कुछ और ही मीनिंग बता रहे होते हैं ठीक है तो टेंसेस देख के ही हमें पता चलता है तो सबसे पहला कंपैरिजन हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हम सबको पता ही है कि प्रेजेंट इंडिफिनेट जो है वो किसी भी व्यक्ति की आदत ठीक है हैबिट रूटीन या रूटीन एक्शन को मेंशन करता है या उस उसके बारे में बातचीत करता है ठीक है तो इस प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो लड़ाई करवानी है वो किसके साथ करवाएंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के साथ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस क्या होता है जो अभी चल रहा है मतलब कि जिसके साथ रहा है रही है या ये सब लगता है प्रेजेंट जो होता है प्रेजेंट इनडेफिनेट कोई भी अगर आपको अपनी आदत बतानी है तो इंडेफिनेट में ही आपकी आदत कही जाएगी या आपका जो रूटीन एक्शन है जो डेली आप कर रहे हो ठीक है उसको हैबिट कह दिया जाता है या तो मतलब कि रूटीन एक्शन बोल दिया जाता है तो इंडेफिनेट में ही आपकी कोई भी आदत को यू you नो know, बताया जाता है अब आदत तो आपकी पास्ट की भी हो सकती है तो पास्ट इंडेफिनेट में बताई जाएगी ठीक है अगर पास्ट अगर, अगर अगर आपकी आदत जो है वो प्रेजेंट की है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में बताई जाएगी अगर आप बाद का तो बाद में ही देखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का लड़ाई जो है वो हम करते हैं वर्सेस करते हैं इसके साथ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के साथ तो मान लो ठीक है राहुल चाय पीता है राहुल जो हमारा जो राहुल है वो चाय पीता है ठीक है ये सेंटेंस हुआ एक तो दूसरा सेंटेंस अगर हम बात करें राहुल हर सुबह चाय पीता है तो राहुल चाय पीता है ये नॉर्मल लाइन थी है ना तो जब मैंने लिखा यहाँ पे हर सुबह हर सुबह चाय पीता है तो ये उसकी रूटीन एक्शन हो गया मतलब कि वो हर सुबह जो उठता है फिर वो चाय को ग्रहण करता है पर पहला सेंटेंस जो है वो आपको ये बता रहा है कि राहुल चाय तो पीता है पर रेगुलर नहीं है इरेगुलर भी हो सकता है इसमें कोई एक पुख्ता सबूत या पुख्ता एक वर्ड नहीं दे दे रखा जिसमें हम ये कह सकें कि राहुल जो है वो सच में चाय पीता होगा हर सुबह और नॉट ठीक है तो बेसिकली हम यहाँ क्या देखते हैं कि कैसे रूटीन बताता है आपकी रूटीन एक्शन की बात करता है कौन प्रेजेंट इनडेफिनेट की फिर उसके बाद आता है राहुल राहुल चाय राहु। पीता है राहुल चाय पीता है तो राहुल जो चाय है वो राहुल हर दिन नहीं पीता है वो कभी कभार पीता है राहुल हर सुबह चाय पीता है तो हर सुबह जो है वो उसका रूटीन एक्शन की बात करता है हर सुबह मतलब वो हर रोज़ पीता है और हर सुबह जो है ऐसे शब्द जो आपको क्या बताएं है? कि हैबिट की बात करें तो जब वो हैबिट की जब बात की जाए तब हमें हमेशा क्या यूज़ करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट ही यूज़ करना पड़ता है ठीक है तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है राहुल इज़ ऑलवेज़ कमिंग लेट तो वो जो राहुल है ठीक है वो हमेशा क्या आता है लेट ही आता है हमेशा लेट आ रहा है तो जब तक हमने ऑलवेज को यहाँ पे काउंट नहीं करा था राहुल इज़ कमिंग लेट तो राहुल लेट आ रहा है मतलब कि वो रोज़ नहीं आता कभी कभार आ रहा है तो कभी कभार की बात हम यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं तो जब वो ऑलवेज लगा दिया गया है यहाँ पे ऑलवेज जो है वो आपको बता रहा है रूटीन एक्शन रूटीन एक्शन को बताने वाले ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसको हमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही लिखना होता है तो राहुल का यहाँ पे बताया गया है कि राहुल हमेशा क्या आता है लेट आता है जब ऑलवेज ही गया है तो हमें यहाँ पे देखना होगा सेंटेंस में कि यहाँ पे राहुल इज कमिंग क्यों लिखा है बल्कि हमने अभी अभी पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमें हमेशा क्या चाहिए क्या चाहिए इज़ का यूज़ नहीं होगा कमिंग का यूज़ नहीं होगा तो क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमें एस या ई एस लगाना होता है या वो के साथ ठीक है तो कम के साथ हमने एस लगा दिया कम्स लिख दिया और ऑलवेज़ जो है वो किस को बता रहा है? हैबिट को बता रहा है हु? तो इसीलिए हमने इज़ इस को हटा दिया और यहाँ पे कमिंग को चेंज किया किस में कम्स में तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं राहुल इज ऑलवेज कमिंग लेट ऑलवेज जैसे ही हमने देखा यहाँ पे कम नहीं आएगा सॉरी uh, कमिंग नहीं आएगा हमेशा क्या आएगा कम्स और इज तो लगेगा ही नहीं ठीक दूसरा पढ़ते हैं नेहा इज एवरी डे विजिटिंग अ टेम्पल तो आपको कहीं अटपटा लग रहा है एवरी डे इज़ विजिटिंग अ टेम्पल नेहा अगर वो टेम्पल जा रही है तो वो जा रही है रोज़ जा रही है अगर वो रोज ही जा रही है तो उसको उसकी ये रूटीन एक्शन की बात करता है और जो एवरी डे जैसे शब्द हो गया एवरी नाइट एवरी मॉर्निंग एवरी के साथ डे जब लग गया तो टाइम वर्ड टाइम वर्ड जो ऐसे वर्ड हो गए एवरी डे एवरी नाइट एवरी मॉर्निंग एवरी एवरी डे पर डे डे इन डे आउट ऑफ एंड और ये सभी जो है टाइम को बताने वाले शब्द होते हैं जो वो हमेशा सेंटेंस के एंड में आते हैं नेहा इज इज तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो रूटीन एक्शन बता रहा है तो इसलिए विजिटिंग को हटा के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे विजिट्स नेहा विजिट्स अ टेम्पल एवरी डे एवरीडे आएगा पर सेंटेंस के एंड में आता है और जो ऑलवेज है वो हमेशा वर्ब के पहले आता है मेन वर्ब के पहले ठीक है तो ये कुछ क्रक्स थे तो ऐसे कुछ शब्द जो होते हैं जो कि हमें बताते हैं आदत के बारे में तो जैसे कि ऑलवेज वो हमेशा ही ऐसा करता है यूजुअली वो अक्सर ऐसा ही व्यक्ति है यूजुअली मैक्सिमम टाइम है ना ऑफन अक्सर ऑफनली हो गया ऑफन हो गया ये सेंटेंस में आते हैं आपके फ्रिक्वेंटली तो फ्रिक्वेंटली मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक रिपीटेडली रिपीट repeat हो रहा है बार बार तो ये शब्द जो हैं वो काफ़ी यू नो कुछ शब्द होते हैं जो टाइम वर्ड की बात करते हैं जैसे कि एवरी डे जैसे एवरी के साथ डे लग गया एवरी के साथ नाइट लग गया एवरी मॉर्निंग हो गया पर डे हो गया ठीक है हर दिन पर डे मतलब हर दिन डे इन हो गया थे में और डे आउट हो गया ऑफ हो गया ऑन ऑन हो गया एवरी वीक हो गया लास्ट वीक हो गया ठीक है लास्ट वीक नहीं आएगा तो बेसिकली ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमेशा सेंटेंस के एंड में आते हैं एवरी डे एवरी मॉर्निंग ठीक है क्योंकि ये इनके साथ क्या होता है जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पे एवरी डे ठीक है तो एवरी डे जो है एवरी जो है वो फ्रीकुंसी को बता रहे हैं फ्रीकुंसी मतलब जो शब्द बार बार आता है जो, जो चीज़ बार बार हो फ्रिक्वेंसी उसे कहते हैं एवरी का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी और डे का जो मतलब है वो टाइम से ये टाइम को बताने वाले शब्द होते हैं डे नाइट और मॉर्निंग टू है ना इन हो गया वीक हो गया टू टुनाइट हो गया यस्टरडे बिफोर ये सभी ये सभी जो शब्द होते हैं वो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं समय को बताने वाले ऐसे शब्द होते हैं इसलिए जो फ्रीक्वेंसी के साथ जो टाइम जुड़ जाता है ना उसको हमेशा सेंटेंस के क्या लगते हैं एंड में लिखा जाता है ठीक जो हम ऑलवेज लिख रहे थे ठीक है ऑलवेज ऑफन हो गया ये सब लिख रहे थे ये क्यों नहीं सेंटेंस के एंड में आ रहा था क्योंकि इन इनका ये कई बार होने वाले ऐसे शब्द होते हैं ठीक इन ये हैबिट को बताने वाले शब्द होते हैं और हैबिट जो है वो हमेशा वर्ब के साथ ही लगी लिखी जाती है हैबिट कौन सी हैबिट है भाई तो उसको डिनोट करने के लिए इसको जो वेरीफाई करने के लिए इसीलिए वर्ब के ठीक पहले हमें हैबिट को लिखना पड़ता है जैसे कि ऑलवेज फ्रिक्वेंटली कुछ भी हो ठीक है कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं उनका अलग ही मीनिंग होता है ठीक है नेगेटिव वर्ड्स जैसे कि स्केयरली स्केयरली स्केरली मतलब कि कभी कभार बेयरली भी इसका मतलब यही होता है बेयर रेयर स्केय स्केयरली सेल्डम कभी कभार ये जो शब्द होते हैं ना जब ये सेंटेंस में हमें यहाँ देखने को मिलता है तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये बात आती है जब भी स्केरसली स्केरली आ गया बियरली आ गया है ना और भी बहुत सारी कौन से कौन से होते हैं रेयरली हो गया जब ये शब्द आपको देखने को मिल जाए ना तो समझ में आ जाता है कि सेंटेंस में नोट लगाने की जरूरत नहीं होती आपको दिया रहता है इसके साथ ही हमें नोट का यूज़ करना पड़ता है पर हमें यूज़ नहीं करना है नोट का ठीक है तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमने अभी करी हैं ठीक है थीके? अभी हमारा तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है शी इज़ डोनेटिंग मनी फॉर द पुअर नेवर सीधा सीधा मतलब यहाँ पे ये यह निकल रहा है कि वो मनी जो है उसके पास जो है वो कभी डोनेट नहीं करती है ठीक है पुअर को कभी डोनेट नहीं करती तो सीधा सीधा यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है नेगेटिव तो नेवर हमने अभी अभी पढ़ा कि जो नेवर है वो क्या बताता है आपको नेगेटिव वर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है ठीक है बीचों बीच लगता है ठीक है इसमें हमें डोनेटिंग इज डोनेटिंग ना लिखते हुए वो कभी करती ही नहीं है तो वो उसकी रूटीन एक्शन है है ना उसकी है तो नेगेटिव परंतु रूटीन एक्शन है इसलिए हमें यहाँ पे इज नॉट ना लगाते हुए हमें क्या करना है सॉरी इज इज़ को हटा के आई एन जी को हटा के क्या लिखना है शी नेवर डोनेट्स ठीक है ठीक है शी नेवर डोनेट्स मनी फॉर द पुअर तो नेवर जो है वो हमेशा वब के ठीक पहले आता है जैसे कि रेयरली uh, स्केरसली ये सभी पहले आते हैं ठीक है तो नेवर को याद रखिएगा कैसे नेगेटिव बनता है ये कैसे यूज़ होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट दायरे हैं ये इसके अलावा हमने और देखना है आगे जैसे कि uh, माई फ्रेंड मैंने लिखा माई फ्रेंड माई फ्रेंड इज़ नॉट इज़ नॉट यूजअली ब्रिंगिंग स्वीट फॉर मी ठीक है ब्रिंगिंग स्वीट फॉर मी तो माई फ्रेंड कभी लाती ही नहीं है ठीक है तो कभी कभार लाती है यूजअली मतलब कि लाती ही नहीं है तो नॉट हमने लिखना ही नहीं है तो अब इन दोनों को मर्ज करते हुए हमें क्या लिख देना है यहाँ पे रेयरली और रेयरली के ठीक बाद हमें क्या चाहिए ब्रिंगिंग ना होकर हमें क्या लिखना है ब्रिंग्स ठीक है ठीक वो अब से ठीक पहले यूजली को हटा देंगे इज नॉट को बी हटा देंगे दो तीनों मर्ज के क्या बन जाएंगे रेयरली तो ये चीज़ें जो है वो हमेशा क्या बताती हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट की बताती हैं कि कैसे प्रेजेंट इंडफिनेट यूज़ होता है तो हमने पढ़ा यहाँ पे कि प्रेजेंट इंडिफिनेट में इंडेफिनेट में हमें आदत की बात की जाती है ठीक है हमारा कोई भी रूटीन एक्शन होता है उसकी बातचीत की जाती है जो हम हमेशा करते आए हैं ठीक है थीके? अब उसमें कुछ नेगेटिव भी आ जाते हैं कुछ टाइम वर्ड वाले भी आ जाते हैं टाइम वर्ड जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के एंड में लगते हैं नेगेटिव जो होते हैं वो सेम लगते हैं परंतु उसमें नॉट कर लिखने की ज़रूरत नहीं होती और जो पॉजिटिव uh, वर्ड्स है जैसे कि दे ऑलवेज ऑफन रिपीटली रिपीटिडली वॉट इज दैट है ना तो ये सभी हमें दिखते तो वो कॉन्टीन्यूस में लिखे हुए हैं है ना हाँ? देखने में तो वो ठीक लगते हैं परंतु एक्चुअली उसका मीनिंग होता है एक रूटीन एक्शन तो रूटीन एक्शन वाले शब्द जो होते हैं वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं इंडेफिनेट में प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखे जाते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट हमें इस तरह से यूज़ हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनेट हमें और भी बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है जैसे कि टू मैंशन यूनिवर्सल ट्रूथ तो मैंशन करने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ तो इस वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे ट्रूथ है जो कि कभी चेंज नहीं हो सकते यूनिवर्सल है ट्रुथ है उनको कोई बदल नहीं सकता कोई माइकल लाल वो आके और कहेगा कि ऐसा ऐसा होता था अब ऐसा नहीं होगा तो कुछ इनके भी एक यू नो you know, एक कैटेगरी है लाइक साइंटिफिक साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए मैथमेटिकल फैक्ट हो गए फिलोसफिकल हो गए साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हो गए तो ये चार प्रकार के जो है ना फैक्ट्स होते हैं जिसको हम कभी नकार नहीं सकते तो हम ये सिर्फ ऑर्ली आपको बता देते हैं जैसे कि किसी ने कहा था किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि वाटर जो है फ्रीज़ होता है ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पे तो वो एक प्रूवन है इसको कोई मिटा नहीं सकता अब कोई व्यक्ति कहेगा कि सेल्सियस में नहीं होता ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पर नहीं होता तो ऐसा कोई मानेगा नहीं मानेगा तो अर्थ पुल एवरीथिंग डाउनवर्ड्स ठीक है अर्थ क्या करती है खिंचाव करती है डाउनवर्ड्स की तरफ पुल करती है ना तो ये चीज़ें जो है साइंटिफिक प्रूवन है जैसे कि जोग्राफी में कुछ कुछ जो स्टेरिकल बातें होती हैं जैसे कि अर्थ से रिलेटेड हो गई I